दोस्तों, यहाँ पर हम निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी इससे पहले जो क्रूड ऑयल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, उसका एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं कि विद इन अ 1 to 2 मिनट में मैंने इस जो ट्रेंड है उसे पकड़ लिया था, और उसमें मैंने एंट्री भी कर ली, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया, और यहाँ पर टारगेट भी लगा लिया, और मैंने ये भी कहा था कि इस ट्रेंड में ये ट्रेंड और भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके का अगर एनालिसिस आपको सीखना है, ठीक है, तो भाई आपको सिर्फ क्या करना है, तो आपको सिर्फ हमारे चैनल पे बने रहना है, ठीक है। ठीक है, कोई भी एक वीडियो में परफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, सब चीज़ें एक वीडियो में नहीं आएगी, ठीक है। धीरे 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 हर रोज़ थोड़ा 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 आपको नॉलेज मिलेगा, और उस नॉलेज के साथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे भी, ठीक है। ये प्योरली एजुकेशनल चैनल है, इसमें आपको ना कोई कॉल्स दिए जाते हैं, ठीक है, ना कोई टिप्स दिए जाते हैं, ना कोई कोर्स नहीं बेचा जाता, ना कोई यहाँ पे आपको पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आपको जो भी सिखाया जाता है बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, और जो भी हमारे दोस्त कई दिनों से हमारे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने हमारे एनालिसिस को देख लिया है, वो हर रोज़ हमारे वीडियो देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके की बड़ी बड़ी मूव्स आप 1 और 2 मिनट में ही पकड़ ले और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के भी इस चैनल को रिकमेंड करना है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग जो है ना, अब चलो यहाँ पर ये तो मूव आगे जाएगी, अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस में। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग जो है ना दोस्तों, ये आप कितने सही हो, कितने एक्यूरेट हो, इस पर डिपेंड नहीं है दोस्तों। मैं पहली तो बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ट्रेडिंग इस चीज़ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है कि आप कितने ज्ञानी हो, आपको कितना कुछ आता है, ठीक है। ट्रेडिंग जो है ना बिजनेस है, उसमें मनी मैनेजमेंट पे आपका सब कुछ डिपेंड होता है। आप लॉस कितना कम लेते हो, प्रॉफिट कितना ज़्यादा लेते हो, लॉस होने के बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, उस दिन लॉस होने के बाद अपना लैपटॉप बंद करते हो, मोबाइल बंद करते हो, चले जाते हो, और दूसरे दिन आते हो, उसमें भी प्रॉफिट कमाते हो, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बाद दोबारा से रिस्क नहीं लेते हो, पैसे को संभाल लेते हो, मार्केट की गुफा से पैसा निकाल लेते हो, पैसे को संभाल के थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हो ना, तो ही आप एक बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकोगे, ठीक है। लेकिन यूं ही तुक्का लगाने के लिए आते हो, लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगाओ, आपकी किसी भी एंट्री का कोई बेस नहीं होता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको अभी भी लॉस हो रहा है ट्रेडिंग में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सबको होता है, ठीक है, मुझे भी होता है, आज भी होता है, होता था और होता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने अभी भी पेपर ट्रेडिंग किया है और अभी आप फर्स्ट लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी इमोशंस ट्रेडिंग में नए नए हैं, ठीक है, अभी आप पक्के नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि गलतियाँ ज़्यादा हो सकती है फर्स्ट लॉट में, ठीक है। अगर आप 15,000 से शुरू कर रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए 50,000 का, ठीक है, कि एक लॉट पे काम करके मैं सब कुछ सीख के, मेरी गलतियाँ सीख के, उन्हें नोट करके, बाइंग सेलिंग करके, दोबारा ओवर ट्रेडिंग भी गलती से होगा, इमोशन आप पर हावी होंगे फर्स्ट लॉट में, ठीक है। उसके बाद जब आप 50,000 वो कमा लोगे उसमें से, और 2 लॉट में काम करने लगोगे, तो आपके इमोशंस धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर तो आप जब 3-4 लॉट के ऊपर आ जाओगे, कई सारे ट्रेड लोगे, इसमें 1 साल 2 साल 3 साल भी चले जाएगा, कभी कभी आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइंड अप होगा, फिर और एक बार 15,000 डालोगे, फिर 1 लॉट से शुरू करोगे, तो इस तरीके से आप तैयार होते जाओगे, यही जर्नी है दोस्तों। तो ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट समथिंग लाइक दैट यू कम एंड अर्निंग प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स, दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग, ओके, ठीक है। तो एक गैम्बलिंग की तरह इसे बिल्कुल भी मत देखना, और ऐसा ना मत देखना कि हर रोज़ 1,000 कमाऊंगा, 2,000 कमाऊंगा, 3,000 कमाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आपको क्या सोचना है कि हमें अगर 1 साल में हम 15,000 डालते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 के 30,000 बन जाएंगे। अभी आप बोलोगे ये क्या कुछ बोल रहे हो आप, ठीक है, देखो 30,000 तो मैंने बहुत कम बता दिया, डबल 1.5 लाख भी हो सकता है, या फिर 5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका टारगेट बस इस तरीके से ही होना चाहिए कि मैं 30-40 हज़ार कमा लूँगा इस साल में। इतने धीरे धीरे के तरीके से आपको काम करना होगा, तभी आप अच्छे खासे ट्रेडर बन सकोगे, ठीक है। लॉस हो गया निकल जाओ, प्रॉफिट हो गया फिर भी निकल जाओ,
संभाल के रखो उसे। तो चलो ये तो बहुत सारी बातें हो गई, एक बार यहाँ पर क्रूड ऑयल में क्या हुआ ये देखेंगे और निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे। क्रूड ऑयल आपको मैं क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि ये लाइव है ना, देखो ऊपर ही जा रहा है, कितने ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे एंट्री की थी 6372 पे, अब यहाँ पे आ गया 6457 पे, 6372 पे की थी, तो अब यहाँ पे 100 पॉइंट यहाँ पे बन गए यहाँ पर। तो चलो अब यहाँ पे चलते हैं निफ्टी के वीडियो में, जहाँ पर एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। और निफ्टी के इससे पहले वीडियो अपने नहीं दिखाए तो देखना, आज के बैंक निफ्टी के आउटरो में मैंने रखा है वो वीडियो। क्यों रखा है, क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया था दोस्तों, बिल्कुल समझाया था ना कि निफ्टी, ठीक है, मैंने कहा था कि अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है, ये लेवल भी दिए थे मैंने, इसके ऊपर चला जाता है और वहाँ से नीचे आता है, ठीक है, ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ट्रैप ज़रूर हो गया। आप ये बिल्कुल सटीक जैसे के तैसा बताया था आपको। तो देखो समझो, यहाँ से निफ्टी ऊपर चला गया, समझ लीजिए यहाँ से जितने भी यहाँ पर बायर आए हैं, यहाँ से यहाँ तक सभी के स्टॉप लॉसेस हंट हुए, ठीक है, फिर दोबारा बायर आए, फिर स्टॉप लॉसेस हंट हुए, और जब सभी के स्टॉप लॉसेस हंट हुए तो यहाँ पे बना दिया एक हैमर, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हैमर पर मैंने कई बार आपको बताया कि हैमर बनता है तो उसके ऊपर वाली कैंडल में हमें एंट्री करनी चाहिए, लेकिन अब हमारी एंट्री जो हुई है वो समझो यहाँ पे हो जाती है, और हैमर के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगवा देते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी हुई है एंट्री, और यहाँ पे हैमर के नीचे है हमारा स्टॉप लॉस, और 1:2 रेशियो निकाले तो कहाँ तक जाएंगे हम, देखो यहाँ तक, ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बन गया। तो ये सब यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, ये सब यहाँ पर क्या हुआ है, तो ये आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। देखो दोस्तों, मार्केट जो है ना ऑपरेटर्स चलाते हैं, ठीक है, आपका जो भी ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, या फिर मूविंग एवरेज का, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, समझ लो दोस्तों कि यहाँ इस ब्रेकआउट के बाद अगर आपके मन में आता, ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती ऊपर की तरफ और आपको ऐसा लगता कि मैं यहाँ पे एंट्री कर ही लूँ, ठीक है, बाय ही कर लूँ, आपको सिर्फ एक करना है कि आपको इसे सिर्फ इमेजिन करना है कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अब आपको ये भी इमेजिन करना है कि यहाँ पे बाय करने के बाद मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा, आपको सोचना है कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा इसी रेजिस्टेंस के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे, ठीक है, अब आपको वेट करना है, बस वेट करते रहना है। क्यों वेट करना है, क्योंकि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हंट ज़रूर करेगा। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस को हंट कर दिया, अब हंट करने के बाद भी रेड कैंडल दे रहा है तो भी रुकना है, ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल बनी तो आपने इसमें बाय कर ली, ठीक है, इसमें बाय कर ली और स्टॉप लॉस आपका लगा दिया इस पहले वाले हैमर के नीचे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो ट्रिक बताया है कितना अच्छा काम करा, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, यहीं पे कंसोलिडेट करते 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 मार्केट सॉरी इसके नीचे आ गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं हंट हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कितना ज़्यादा रैली दिया। अब इससे भी एडवांस चीज़ आपको बताता हूँ, अब आप यहाँ पर एंट्री नहीं करोगे, ठीक है, आप देखते रहोगे मार्केट को, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, यहाँ पे हैमर भी बना दिया फिर भी एंट्री नहीं करना, जैसे ये इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा उसके बाद कोई रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है, कोई रेड कैंडल बना दिया यहाँ पे और उसके बाद ग्रीन कैंडल बना दिया, उसके अगली वाली कैंडल में आपने एंट्री कर ली, देखो कहाँ से कहाँ डायरेक्टली, मतलब बीच में कोई इस तरीके से कंसोलिडेशन वंसोलिडेशन कुछ नहीं यहाँ पर देखो, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी प्रैक्टिस करना दोस्तों, और बैक टेस्टिंग भी करना, ये अच्छा काम करेगी आपके लिए, ठीक है। और अगर समझो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली होती, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हंट होता तो कितना ज़्यादा लॉस होता आपको, लेकिन अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो कंपेयर टू इस स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है ना, आपका कैपिटल बहुत कम अमाउंट में कम होगा, ठीक है, एनालिसिस तो करना ही है लेकिन गलतियाँ भी होती है, तो लेकिन स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करना कि छोटे से छोटे स्टॉप लॉस में आपको, और यहाँ पर मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते और यहीं पर एंट्री कर देते तो भी आपको 1:2 रेशो उससे भी ज़्यादा पैसे मिल जाते यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से सोचना है आपको,
तो अब यहाँ पे कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए चलेंगे पहले तो यहाँ के सारे ड्राइंग्स निकाल देते हैं और सिर्फ 15 मिनट में ले चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम निकालेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है ये और हमारे लिए सपोर्ट बन गया है ये। अब ये आपने सोचा होगा कि यही क्यों बीच में क्यों रेजिस्टेंस निकाला, उसके लिए आपको मेरा एक वीडियो है 30 सेकंड में रेजिस्टेंस कैसे निकाले वो देखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ 5 मिनट में जाकर कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो क्लियर कट यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर सेलिंग आ गई, जितने भी सेलर आ गए उनको ऑपरेटर्स ने स्टॉप लॉस हंट कर दिए यहाँ पे। फिर एक बार से लग रहा है फिर ऑपरेटर ने बहुत बाइंग देके वो यहाँ पे ऊपर लेकर गया। अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सेलर आएंगे ऑपरेटर उनको हंट करता जाएगा, सेलर आएंगे ऑपरेटर उनको हंट करता जाएगा। अब आपको ये कैसे पहचानने को आए कि अब ऑपरेटर ने हंट करना बंद कर दिया है और एक्चुअल में सेलर आए, और जो भी सेलर आए वो ऑपरेटर है, वो कैसे पहचानेंगे आप? उसका भी एक ट्रिक है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। देखो सेलर आए ऑपरेटर ने हंट किया, तो ऑपरेटर हंट कहाँ तक करेगा? उसके ऊपर वाले लेवल तक करेगा। अब यहाँ पर सेलर आए और दोबारा बाहर आए, लेकिन ये ऊपर नहीं गए इसके इस लेवल के, तो यहाँ पे समझ लो ये बायर जो है ऑपरेटर नहीं है, रिटेल ट्रेडर है। और ये फिर यहाँ से नीचे जा रहा है तो समझ लो ऑपरेटर एक्टिव हो गए, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। इतना सिंपल आइडिया मैंने यहाँ पे समझाया था, ये तो आपको पेड कोर्सेज पे भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे वीडियोस को एंड तक देखते जाइए, जो भी बंदे बीच में छोड़कर चले गए उन्हें ये ट्रिक नहीं पता चली होगी, ठीक है। तो दोस्तों जाते जाते ये तो वीडियो में हो गया कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑपरेटर ऊपर की तरफ हम सभी को ट्रैप करने की कोशिश करेगा और दोबारा नीचे के ले देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऑपरेटर जो है इस तरीके से नीचे के ले देगा, दोबारा अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और ऊपर की तरफ रैली देगा तो मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। मार्केट है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि सेलर हमें कहाँ पर ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ हमें चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल को एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग होने की आशंका है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर सेलर जितने भी आएंगे उनको ट्रैप करेंगे बाइंग करके, ठीक है। फिर सेलर आएंगे बाइंग करेंगे, सेलर आएंगे बाइंग करेंगे, ठीक है। और जब ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा और नीचे सेलिंग की बड़ी कैंडल देगा तब हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।